तो आ गए आप लोग। चलो आ ही गए हो तो आप शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो हम लोग जल्दी से जाते हैं और ट्रेन का टिकट कराते हैं नासिक के लिए, क्योंकि हम लोग का प्लान था कि हम लोग नासिक जाएंगे सप्तरंगगढ़ माता के दर्शन करने और वहीं से जाएंगे त्र्यंबकेश्वर जो हमारे दिव्य ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं स्टेशन और हम लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जब भी हम लोगों को ये भाई साहब देखते हैं जो बड़े मजे से कचरा लिए घूम रहे हैं। बट मजाक से हटके यही लोग हैं जो हमारे स्टेशन को इतना साफ सुथरा रखते हैं, तो एक सैल्यूट तो बनता है इनके लिए। फिर हम लोग चढ़ जाते हैं ट्रेन में और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के नासिक के लिए। तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ट्रेन के आउटसाइड का व्यू बड़ा ही कमाल होता है, हम लोगों को बहुत सारे पेड़ पौधे देखने के लिए मिलते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे जर्नी भी काफी बड़ी लगने लगती है, काफी लंबी जर्नी बोल सकते हैं हम लोग इसे। फिर मैं देखता हूँ ये सूरज बादल में छुपा हुआ है, तो मैं अपनी कुछ कैमरा ट्रिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ जो कि मेरी उतनी अच्छी नहीं है। सन से खेलने के कुछ देर बाद मुझे दिखाई देती है ये रिवर, जो कि मुझे अमेजोन रिवर की याद दिला देती है। आप देखोगे कि ये जो रिवर है वो चारों तरफ से पेड़ों से कवर है और बीच में ये रिवर गई हुई है, बहुत ही प्यारा सीन लगता है। फिर मैं देखता हूँ ये कटा हुआ पहाड़, फिर आता है ये पावर प्लांट, जो मैं सोचता हूँ कि यार कितनी ज्यादा डेवलप्ड हो गई है इंडिया कि इतने आउटर एरिया में जो कि माउंटेन और जंगल से घिरा हुआ है वहाँ पे पावर सप्लाई देना बहुत ही बड़ी बात है। फिर हम लोग ये रिवर ब्रिज से क्रॉस करते हैं और एज यूजुअल हम लोग सिक्का फेंकते हैं और गंगा माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सारी विशेष पूरी हो जाए, जो कि है 100 के सब्सक्राइबर नेक्स्ट 2 मंथ्स में। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही चैलेंजिंग बात है, बट अगर आप लोग साथ दोगे तो ये हम लोग बहुत जल्दी अकम्प्लिश कर लेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं त्र्यंबकेश्वर और कोशिश करते हैं कि गणेश धर्मशाला में हम लोगों को एक रूम मिल जाए, बट ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर पहले से ही इतनी ज्यादा बुकिंग रहती है कि ये इम्पॉसिबल सा लगता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों का प्लान है त्र्यंबकेश्वर जाने का तो पहले से ही रूम बुक कर लेना। फिर हम लोग जाते हैं गोदावरी कुंड स्नान करने। स्नान करने के बाद हम लोग महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर हमारे दिव्य ज्योतिर्लिंग में से एक है। अगर इस जगह की खासियत ये है कि इस ज्योतिर्लिंग में तीनों भगवान यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वास करते हैं। सिर्फ यही नहीं, मुझे यहाँ के बारे में एक और चीज पता चली, यहाँ तीन भूमि एक साथ हैं, जैसे मृत भूमि हो गई, मृत भूमि यानी शमशान घाट, जल भूमि, यहाँ पर मान्यता है कि शंकर जी की जटा से जो है वो गोदावरी नदी निकली है। तीसरी चीज कि यहाँ पर तीनों भगवान एक साथ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सिर्फ एक ऐसी ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर तीनों भगवान एक साथ प्रेजेंट है। तो हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचते हैं दर्शन के लिए, बट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, हम लोगों को 3 घंटे लगते हैं मंदिर के अंदर तक पहुँचने में। मंदिर के बाहर हम लोग नंदी महाराज का दर्शन करते हैं, देखते हैं ये यूनिक आर्ट स्ट्रक्चर जो कि हमारे पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है। फिर हम लोग देव का जयकारा लगा के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर शुरुआत में हम लोगों को ब्रह्मा जी की मूर्ति दिखती है। एक बार फिर से मैं अपने कैमरा ट्रिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं, तो फाइनली मैं एक सिनेमैटिक व्यू कैप्चर कर पाता हूं। फिर हम लोगों ने किए महाकाल के दर्शन और बाहर आ गए और मैंने ये बाहर से मंदिर की वीडियो बनाई। नेक्स्ट डे हम लोग पहुंचे सप्तरंगगढ़, जहां का शॉट्स आप देख कर आए। तो माता बहुत ही ज्यादा पहाड़ी वाले इलाके में विराजमान, तो इधर का जो मानसून है वो बड़ा ही प्यारा है, बट बारिश यहाँ पर होती ही रहती है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि आप देखकर दंग रह जाओगे। इधर का मॉनसून और इधर का एरिया दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग बिल्कुल स्वर्ग जैसी जगह पर आ गए हो। हम लोगों ने भीगते भागते माता की सीढ़ियाँ चढ़ी और फाइनली चोटी तक पहुँच गए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इधर पर 600 से ज्यादा सीढ़ियाँ हैं और जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं उनके लिए क्रेन की व्यवस्था है। फिर फाइनली हम लोग माता के दरबार में पहुँचते हैं। कुछ ऐसी है इधर की माता। तो मेरे हिसाब से तो ये मोस्ट रिकमेंडेड जगह में से एक है, जिंदगी में आप लोगों को एक बार तो जरूर यहाँ पर जाना ही चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग कब जाने का प्लान बना रहे हो। तो मैं एक ट्रैवलिंग सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ, तो जरूर बताइएगा कि आप लोगों को और भी ऐसी वीडियोस चाहिए या नहीं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।